हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन द बायोजोम्स। और आज का जो बायोलॉजिकल मुद्दा है वो हीमोग्लोबिन है। हम बायोलॉजिकल मुद्दे को एक क्विक क्लास में ले आए हैं, तो हम आने वाले 40 से 50 सेकंड में हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HB से। ये एक ग्लोबुलर कंजुकेटेड टेट्रामेरिक प्रोटीन है। हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से हीमोग्लोबिन को लिया है, मतलब कि चार प्रोटीन के लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और जो क्वाटरनरी लेवल होता है उसमें हीमोग्लोबिन आता है। हीमोग्लोबिन एक O2 बाइंडिंग प्रोटीन है। O2 बाइंडिंग प्रोटीन मतलब कि हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। ऑक्सीजन से बाइंड होता है और इसका जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना है। सबसे पहले बाइंड होना है ऑक्सीजन के साथ और देन उसको फिर ट्रांसपोर्ट करवाना है। इसका जो बाइंडिंग रेशो है वो 1:4 है, मतलब एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन से बाइंड करता है। कहाँ कहाँ किस में प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में, एक्सेप्ट आर्कटिक फिश, मतलब आर्कटिक फिश में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है सर। और स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये ह्यूमन में ब्लड सेल में पाया जाता है और वर्टिब्रेट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ हीमोग्लोबिन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्विक क्लास अच्छी लगी हो, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।